दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं Realme X2 वर्सेस OnePlus 70 का कैमरा कंपैरिजन। और दोस्तों कैमरा कंपैरिजन करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता ही है कि कैमरा एक ऐसा फीचर है जो कि हर एक फ़ोन में आज की डेट में बेस्ट टू बेस्ट दिया जा रहा है और हर एक कोई चाहता है कि एक अपनी अच्छी सेल्फी खींच पाए या कोई अच्छी फ़ोटो निकाल पाए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों का कैमरा कंपैरिजन देखना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं दोनों का साइड बाई साइड कंपैरिजन। जो फर्स्ट फोटो है वो विदाउट मैक्रो मोड लिया है, आप लोग देख सकते हैं मैं कितना पास में जाके खींच पाया हूँ फोटो को। अगला जो मोड मैं लेने वाला हूँ वो मैं विद मैक्रो मोड लेके दिखाऊंगा आपको कि कितना ज्यादा पास में पहुंच पाया। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइज का डिफरेंस आया है, रियलमी X2 की फोटो जो आई है वो छोटी आई है बाई डिफॉल्ट और OnePlus 70 की काफी बड़ी इमेज आई है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको एक चीज देखने की है, दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने लाइट्स को पीछे बैकग्राउंड में रखा है और फोटो खींची है। आप लोग देख सकते हैं OnePlus 70 ने कितनी ढंग से इस एक्सपोजर को हैंडल किया है। दोस्तों जो नेक्स्ट इमेज है वो अगेन एक मैक्रो शॉट है और यहाँ पे भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से जो Realme X2 की फोटो है वो काफी छोटी आई है और OnePlus 70 की फोटो कितनी बड़ी आई है। दोस्तों जो नेक्स्ट फोटो है वो हमारा रेड का कंपैरिजन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट में जो Realme X2 की फोटो है थोड़ी सी डल दिख रही है, वेयर एज OnePlus 70 की फोटो जो है उसमें सैचुरेशन लेवल थोड़ा हाई है और थोड़ी अच्छी लग रही है। अगेन दोस्तों आप देख सकते हैं X2 में फोटोज एक्सपोजर लेवल में कहूँ तो थोड़ा ज्यादा है बट सैचुरेशन के लेवल में थोड़ा सा कम है। दोस्तों जो नेक्स्ट मोड है वो हमारा है सेल्फी मोड। दोस्तों सेल्फी मोड में भी आप लोग देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे OnePlus 70 काफी अमेजिंग फोटो निकाला है जबकि बैकग्राउंड में Realme X2 थोड़ा सा वाइट सा डिटेल्स नहीं दे पाया है जा ढंग से, तो काफी अच्छा वो है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूँ पोर्ट्रेट मोड में तो पोर्ट्रेट मोड में भी Realme X2 का कैमरा जो है काफी छोटी साइज की फोटो निकाल रहा है जबकि OnePlus 70 सिमिलर साइज का फोटो निकाल रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने फ्रंट फेसिंग कैमरा को लाइट्स को सामने एक्सपोज किया और आप लोग देख सकते हैं OnePlus 70 ने उस लाइट एक्सपोजर को काफी ढंग से हैंडल किया और डिटेलिंग की साइड ज्यादा ध्यान दिया। दोस्तों जो नेक्स्ट फोटो है वो रैंडम शॉट है एक तरीके से और रैंडम शॉट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि OnePlus 70 के अंदर एक्सपोजर लेवल ज्यादा है और जबकि Realme X2 की जो फोटो है वो थोड़ी डार्क आई है। दोस्तों जो नेक्स्ट फोटो है वो हमारी आप अगेन देख सकते हैं, थोड़ा ब्लू को कंपेयर करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ब्लू के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी आपका जो एक्सपोजर लेवल है वो OnePlus 70 में ज्यादा दिख रहा है देन टू Realme X2। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो नीचे बैकग्राउंड बेस है आप इस फोटो या लास्ट फोटो में कंपेयर कर सकते हैं, बेस जो है थोड़ा डल और डार्क नजर आ रहा है देन टू OnePlus 70। OnePlus 70 के अंदर व्हाइट्स काफी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं देन टू Realme X2। दोस्तों नेक्स्ट फोटो है वो ब्लैक को कंपेयर करने के लिए निकाली थी मैंने बट दोनों ही फोनों में ब्लैक्स को बिल्कुल सेम लेवल पे लेके आया गया है, कोई भी डिफरेंस मुझे नहीं दिखा है। अर्लियर मैं दूसरे पुराने फोन्स में देखूं तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगेन दोस्तों एक रैंडम शॉट है और मैंने बहुत ही नजदीक से खींचा है, आप इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड को देखेंगे तो दोनों ही फोनों में काफी अच्छी ब्लरनेस आई है। और अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँ तो डिटेलिंग भी दोनों फोनों में बिल्कुल सेम है, द ओनली डिफरेंस इज कि उसका बेस का जो कलर है काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है जबकि सेम बेस पे फोटो रख के खींची गई थी। अगेन दोस्तों इसको ब्लैक को कंपेयर किया है, बिल्कुल ब्लैक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ब्लैक बिल्कुल सेम है, दोनों के अंदर जो लेवल है बिल्कुल ब्लैक्स का वो बिल्कुल सेम रखा गया है जबकि मैं व्हाइट्स का कंपेयर करूँ तो व्हाइट्स में काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फोटो की। दोस्तों नेक्स्ट फोटो में अगर आप लोग देखें तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme X2 वर्सेस OnePlus 70 के अंदर नॉर्मल फोटो जो है वो काफी अच्छी आई है OnePlus 70 में, जो फेस का जो कलर है वो काफी अच्छा है OnePlus 70 में। दोस्तों बात करूंगा पोर्ट्रेट मोड की तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो ब्लरनेस या डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट आया है वो ज्यादा अच्छा है OnePlus 70 के अंदर देन टू Realme X2। तो कहीं ना कहीं OnePlus 70 काफी अच्छी इमेजेस निकाल रहा है ओवरऑल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।